शुक्राला माता तथा मणि महेश पैदल नंगे पैर यात्रा करके डिगकेश्वर लंगर समिति के लंगर स्थल में कल शाम को पहुँचे। वहाँ डिगकेश्वर लंगर समिति ने इसका रात को ठहरने की व्यवस्था कर दी। हमारे पूछे जाने पर उन्होंने अपनी यात्रा पैदल नंगे पैर यात्रा के बारे में बताया। अब हिमाचल के तीर्थ स्थानों से होते हुए ऋषिकेश, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, प्रयागराज, प्रयागधाम होते हुए महाराष्ट्र केरला से कन्याकुमारी और फिर पुष्कर के ब्रह्मा के मंदिर से समाप्त करने का लक्ष्य है तथा उन्होंने बताया कि यात्रा 2-3 साल में पूरी होगी। यह करीबन 1,50,000 से 2,00,000 किलोमीटर यात्रा होगी। उन्होंने यह बताया कि अभी तक जहां भी यात्रा करके आए हैं वहां उन्होंने किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है और हर जगह हमें लोगों का प्यार और सहयोग मिल रहा है। कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। हम जहाँ शाम होती है 6-7 बजे 8 बजे जहाँ भी कहीं भी रुक जाते हैं, मंदिर में, गुरुद्वारे में, कहीं भी रुक जाते हैं। जैसे अभी तो हर जगह पे लंगर लगे हुए हैं तो वो अच्छी व्यवस्था हो रही है, तो हाँ वहाँ भी हम रुक जाते हैं। रात को भी इधर यहाँ लंगर में रुके थे हम, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आती हमें, अच्छी व्यवस्था हो जाती है। हम 13 मार्च को निकले थे जयपुर से, उसके बाद में हम खाटू श्याम जी गए थे, हमारे राजस्थान में पड़ता है रिंगत में, और वहाँ से हम निकले हरियाणा होते हुए पंजाब, पंजाब से हम इधर वैष्णो देवी, जम्मू में वैष्णो देवी होके आए हैं। वहाँ से हम अमरनाथ जाके आए थे, अमरनाथ के बाद शुद्ध महादेव, गौरीकुंड, मानतलाई वगैरह इधर घूमते हुए मानसर, मानसर से इधर जो बीच में जितने भी स्थान पड़े हैं वहाँ होते हुए हम मणिमहेश पहुँचे थे। मणिमहेश के बाद में हम इधर वापस ज्वाला जी के लिए प्रस्थान कर रहे थे, तो रास्ते में आपकी मुलाकात हुई, रात को हम यहाँ रुके थे। तो आपको हिमाचल की ये मणिमहेश की यात्रा में कोई दिक्कत तो नहीं आई? नहीं, हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, बड़ी यात्रा हुई यहाँ पे। कैसा रहा सफ़र हिमाचल का? अच्छा रहा, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे थे, सबका प्रेम बहुत अच्छा लगा, हमें सबसे मिले बहुत अच्छा लगा। तो अभी आगे कहाँ जाने का इरादा है? अब हम यहाँ ज्वाला जी, कांगड़ा जी होते हुए गंगोत्री, यमुनोत्री होते हुए केदारनाथ, बद्रीनाथ जाएंगे, उसके बाद प्रयाग होते हुए केरल, तिरुपति के बालाजी, कन्याकुमारी, महाराष्ट्र, गुजरात होते हुए चित्तौड़, और अजमेर होते हुए पुष्कर में हमारी महापूर्ण हो जाएगी। अभी मतलब 2-3 साल की यात्रा है। तो यात्रा के दौरान आपको कोई किसी चीज़ की कोई परेशानी या कोई मदद की जरूरत? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सबका अच्छा मदद मिली है, सबका प्रेम मिला है, और फिर आप लोगों का आशीर्वाद, ऊपर वाले का आशीर्वाद है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं।